नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 News। SP9 News में आज बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी सरकार पर लगातार किस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, मोदी सरकार पर किसानों को लेकर किस तरह से परेशानियां बढ़ रही हैं मोदी सरकार की, और वो कोई और नहीं फिर से राकेश टिकैत। जी हाँ, आप समझ गए बिल्कुल, राकेश टिकैत खुलेआम तरीके से चेतावनी दे रहे हैं वो केंद्र सरकार को। क्या कुछ कह रहे हैं आइए समझते हैं। हम सब जानते हैं कि 3 नए कृषि कानून वापस हो चुके हैं, उसके खिलाफ 15 महीने तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर। हम सब ये भी जानते हैं देश के कई जिलों में भी जो है पंचायतें हुई, महापंचायतें भी हुई। राकेश टिकैत जब 3 नए कृषि कानून वापस हो गए, तो राकेश टिकैत के साथ साथ तमाम किसान संगठनों ने अपना जो है डिमांड बढ़ा दिया, मांगे बढ़ा दी, जिसमें से कुछ खास था। क्या खास था सर? खास ये था, वो ये था MSP को लेकर FIR दर्ज हुआ, उसको लेकर, बिजली को लेकर, पराली जलाने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि उसको जो है पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। अब उसको राकेश टिकैत लेकर लगातार धमकी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं आंदोलन करेंगे लखनऊ से, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और अब वो चेतावनी ये दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने चुनाव जीतने के बाद अब पूरी तरह से भूल गई है किसानों को, किसानों के वादे को, किसानों के समस्याओं को, किसानों के साथ जो वादा किए गए थे उसको भूल गए हैं, और उसको लेकर वो धमकी दे रहे हैं कि सड़कों को उतरने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पिछले 1 महीने से, जब से रिजल्ट आया 10 मार्च को, तब से लगातार राकेश टिकैत कभी चेतावनी, कभी धमकी, कभी कुछ, कभी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर हमला बोलते रहे, लेकिन इन सब के बीच में ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है। सिर्फ एक दिन मुजफ्फरनगर में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए थे, लेकिन वो मसला हल हो गया। अब देखना ये होगा कि लगातार आंदोलन की जो धमकी दे रहे हैं कि लखनऊ से शुरू करेंगे, बॉर्डर से शुरू करेंगे, करेंगे कहाँ से, कब करेंगे, या फिर सिर्फ धमकियां देते रहेंगे। और ये भी बात है कि राकेश टिकैत के इन चेतावनियों का मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर कोई भी फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है और न पड़ा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी वाकई में देखकर नजरअंदाज कर रही है? क्या वाकई में बीजेपी, अगर राकेश टिकैत के मसले को देखा जाए, तो वाकई में केंद्र सरकार आखिर पूरा क्यों नहीं कर रही, जब 6 मांगों को उन्होंने जब पूरा कर लिया था, वादा किया था कि कर देंगे, फिर किया क्यों नहीं जा रहा? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो आखिर केंद्र सरकार को भी देने हैं। तो यहाँ पर राकेश टिकैत भी सही है, केंद्र सरकार ने वादे जो किए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि इनके पीछे वजह क्या है। इन पे खुलकर भी नहीं कर, क्योंकि कृषि मंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि MSP को लेकर कमेटी बनाई जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि वाकई में क्या ये चेतावनी दे रहे हैं, क्या उसको पूरा भी करेंगे, या फिर वाकई में धरना पे बैठ जाएंगे। देखना होगा कि राकेश टिकैत करते क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबर देखते हैं SP9 News।